तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में दो मेथड पढ़े थे, फर्स्ट वन इज गोज एलिमिनेशन मेथड एंड गो जॉर्डन मेथड, जो कि आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करने के काम आ रहे थे। सेम नेक्स्ट जो मेथड है, दिस इज गो सेडल मेथड, बट दिस इज द इटरेशन मेथड। मतलब जो सबसे पहले, तो इटरेशन का मतलब आपको बार 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 रिपीटेशन करनी है, वही स्टेप को आपको बार बार रिपीट करना है, और जो इससे आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आएगा। जैसे कि आपका गोज एलिमिनेशन और गोज जॉर्डन के अंदर आ रहा था, इसके अंदर क्या आपको जस्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ एरर आएगी, अप्रोक्सीमेट आंसर आपको मिलेगा। जैसे कि मान लो आपको थ्री सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस गिवन है। मान लो a11 x1, a12 x2, a13 x3 इज इक्वल टू b1। सेम हमने 2 मान ली, सेम हमने 3 मान ली, ठीक है। अब हमने यहाँ से x1 की वैल्यू निकाली, x1 की वैल्यू होगी b1 - a12 x2 - a13 x3। सेम यहाँ से हमने x2 की वैल्यू निकाली और यहाँ से हमने x3 की वैल्यू निकाली। यहाँ कुछ आपके शायद कुछ कंडीशन भी थी कि जो यहाँ जो है आपका x1 का कोफिशियंट, कहीं ना कहीं आपको एक इक्वेशन में x1 का कोफिशियंट बड़ा मिलेगा न्यूमेरिकली, दैट इज आपको साइन इग्नोर करना है। तो जहाँ का x1 जो है न्यूमेरिकली बड़ा हो, वहां से आप x1 निकालते थे। सेम जहाँ न्यूमेरिकली x2 बड़ा हो, देन x2 निकालते थे, और न्यूमेरिकली जहाँ x3 बड़ा होता था, तो वहां से आप x3 की वैल्यू निकालते थे। तो ओवरऑल आप ये बनाते थे, ठीक है। फिर आप x2 और x3 को सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन देते थे 0 0, ठीक है। फिर आपकी x1 की नई वैल्यू आएगी, तो x1 जो नया आया है यहाँ a21 x1 आएगा। यहाँ जो नया x1 आया है, मतलब ये इसको सोल्व करने के बाद वो रखते थे, लेकिन x3 जो है अभी तक नया नहीं आया है, तो इसको आप पुराने वाला यूज करते थे। सेम देखो, x2 नया आ चुका है, x3 नया आ चुका है, तो इस तरीके से आपका जो यहाँ a33 सॉरी दिस इज b3 - a31 x1 आएगा, और ये आएगा a32 और x2 आएगा, ठीक है। तो x1 x2 नए आ चुके हैं, वो रखते ही आपका x3 नया आ चुकेगा, ठीक है। फिर आप फिर से वैल्यू रिपीट करते थे, वही प्रोसीजर रिपीट करते थे। इस तरीके से आपको अप्रोक्सीमेशन आंसर मिलते जाते थे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन से समझते हैं हम मेथड के, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन है, मान लो आपकी ये थ्री सिस्टम सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, एक्स का जो न्यूमेरिकली कोफिशियंट है वो बड़ा है, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से आप वाई की और यहाँ से आप जेड की। तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन के लिए आप वाई को रखते थे 0 और जेड को रखते थे 0, ठीक है। अब आप x की वैल्यू निकालते थे, तो कुछ उसको आप नाम देते थे, x1 नाम देते थे आई थिंक। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/20 1/20 17 माइनस, में देखो 17 माइनस क्या है, y, y आपने कितना लिया हुआ है 0, ठीक है। प्लस में 2z है, यानी 0 लिखा हुआ है, तो ये आ गया 17/20। कैलकुलेशन देख लेना, आई थिंक ये आ गई है 0.85 आ जाएगी, ठीक है। सेम आपका x1 नया आ चुका है, जेकोबी और गो सैडल में इतना ही फर्क था कि जो सैडल में आप क्या करते हो, जो करंट आया उसको साथ के साथ यूज करते हो, जबकि गो जेकोबी में आप साथ के साथ यूज नहीं करते। मतलब अभी भी जैसे हम x2 निकालें, जैसे कि सपोज यहाँ y1 निकालें, मतलब y1 निकालें, तो दिस इज इक्वल टू, यानी कितना आ जाएगा 1/20 - 18, ठीक है। फिर कितना है, -3x, मतलब इधर आप रखोगे 0.85, गो सैडल में तो रखते हो जो करंट आया है, और अगर आप गो जेकोबी में करना चाहते हो तो पुराने वाला रखते थे, दैट इज आप 0 रखोगे यहाँ पर, ठीक है। और प्लस में कितना आएगा, जेड, जेड कितना आ चुका है 0। यहाँ हमें करंट यूज करना है क्योंकि हम गो सैडल कर रहे हैं। तो जब इसको आप सोल्व कर लोगे, सोल्व करने से आपको ये मिल जाएगा। देखो अभी तक आपका x3 नया नहीं आया, मतलब जेड जो है वो नया नहीं आया है, पुराने वाला चलेगा, यानी 0 चलेगा। तो जब इसको सोल्व कर लोगे, ये आंसर आ जाएगा -1.0275 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना। और सेम z1, दिस इज इक्वल टू z1 कितना आ गया, 1/20 × ये हो गया 25, माइनस में ये हो चुका है 2x, ठीक है। x आपका नया आ ही चुका है, तो 0.85 रखते हैं। और फिर है आपका प्लस थ्री वाई, यानी माइनस में 3 जो करंट वाई आया है, यानी अब आपको 0 नहीं रखना है, जो करंट है, यानी -1.0275, ठीक है। इसको जब आप सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा कुछ 1.0109, ठीक। अब आप सेकेंड इटेरेशन लेते थे, सेकेंड इटेरेशन, तो सेकेंड इटेरेशन में अब आप x1 निकाल लो, मतलब x2 निकालो सॉरी,
ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1/20 17 माइनस में कितना है 17 माइनस वाई, वाई नया निकल चुका है तो माइनस माइनस प्लस 1.0275। ठीक है, माइनस में क्या सॉरी प्लस में कितना हो गया 2z, जेड नया निकल चुका है वो आपको रखना है। ठीक है, इसका आंसर जो है कुछ आ जाएगा 1.0025 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। वाई टू जो है, वाई टू दिस इज इक्वल टू 1/20 माइनस का 18 माइनस में था 3x, तो इस बार आपको क्या रखना है, जो नया x आया तो नया x कौन सा आ गया 1.0025। ठीक है, और प्लस में है जेड, तो जेड जो है वो कितना आ गया 1.0109। ठीक, जब इसको आप सोल्व करोगे आंसर जो है कुछ आपका आ जाएगा माइनस का 0.9998। ठीक है, सेम आप जेड टू निकालोगे, दिस इज इक्वल टू 1/20 और दिस इज इक्वल टू 25 माइनस का 2x, तो x नया आ चुका है 1.0025। ठीक है, फिर क्या है प्लस 3y, प्लस 3y नया निकल चुका है, y ये रख दो। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 0.9998, कुछ ऐसे आ जाएगा। इस तरीके से आप थर्ड निकालते थे, फोर्थ निकालते थे, जब तक आपका नियरली सेम नहीं आने लग जाता था, मतलब कॉन्स्टेंट आंसर नहीं आने लग जाता था, तब तक आप इटेरेशन रिपीट करते रहते थे। तो प्रोग्राम में देखो हमें क्या गिवन होनी चाहिए, प्रोग्राम में एक तो हमें ये मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, दैट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। एक हमें पता होना चाहिए B1, B2, B3। B1 को हम नाम देंगे A14, B2 को नाम देंगे प्रोग्राम में A24 और इसको हम नाम देंगे दिस इज A34। ठीक है, आपको एक ये पता होना चाहिए, आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए, जैसे मतलब कितनी इक्वेशंस है, जैसे यहाँ इक्वेशंस कितनी है गिवन है, मान लो हमारी इन जनरल एन इक्वेशंस गिवन है, तो आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए कि कितनी इक्वेशंस गिवन है। फिर आपको कितने इटरेशन तक काम करना है, जैसे कि हमें 5 इटरेशन करना है, कितनी इटरेशन करना है, तो मान लो हमें m इटरेशन तक काम करना है, तो ये प्रोग्राम में हमारे यूज होने वाले हैं। तो अब हम आते हैं इसके प्रोग्राम पर, तो सबसे पहले प्रोग्राम के लिए वही आप दो फाइल्स लोगे, दैट इज हैश इंक्लूड और ये लोगे stdio.h। ठीक है, देन आपका हो जाएगा हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, देन वॉइड मेन। ठीक है, देन होती है डिक्लेरेशन लाइन। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन पता होना चाहिए, मान लो उसको हमने एन नाम दे दिया। ठीक है, नंबर ऑफ इटरेशन पता होनी चाहिए एम, कोई और डिक्लेयर करेंगे तो स्पेस छोड़ दिया हमने। ठीक, अब हमें मैट्रिक्स डिक्लेयर करनी है तो फ्लोट ले ली। ठीक है, मान लो ए मैट्रिक्स का नाम है, रो भी होगी कॉलम भी होगी, दैट इज दिस इज अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। ठीक है, और जो है एक्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, यहाँ हमने एक्स वाई जेड नाम दिया है वेरिएबल्स को। ठीक है, यहाँ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, यहाँ भी आपका एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड नाम दे दिया है, तो ये मान लिया x100। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले सभी को वैल्यूज दे देते हैं 0। देखो, जब भी आपको एरो एरे को वैल्यू इनिशियलाइज करवानी होती है तो हम इसको करली ब्रेसेस में लिखते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, यानी x1 भी आपका स्टार्टिंग में कितना है 0, जैसे एन हम 3 ले रहे हैं, x2 भी कितना होगा 0 और x3 भी स्टार्टिंग जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने कितनी ले ली 0, क्योंकि हम इनिशियल वैल्यू जो है एक्स वाई जेड की वो 0 ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन निकालने के लिए तो हमने इनिशियल वैल्यू जो है इनकी सभी की 0 ले ली, बाद में इसे हम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, कोई और रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसे निकाल लेंगे, अदरवाइज हम यहाँ टर्मिनेट कर रहे हैं। देन डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, डिक्लेरेशन के बाद आता है क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन हमने यूज कर लिया। देन हमें पता होना चाहिए एन को इनपुट करवाना है। ठीक है, एन को इनपुट करवाने का काम किसका हो गया, स्कैन एफ का। देन स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा क्या हो जाएगा, एम परसेंट एन। ठीक है, इससे पहले एक मैसेज प्रिंट करवाने सॉरी प्रिंट करवाना कि एंटर द नंबर ऑफ इक्वेशंस, कितनी इक्वेशंस है, एंटर द नंबर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, क्योंकि हम होमोजी मतलब इसमें ही काम करें, जितनी इक्वेशंस है उतने ही अननोन है, मतलब उतनी ही आपकी मतलब जो मैट्रिक्स लोगे दैट इज स्केयर मैट्रिक्स, हम उस स्केयर मैट्रिक्स का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि कितनी इटरेशन तक आप काम करना चाहते हो, तो यानी हमें इनपुट करवाना पड़ेगा किसको, एम को, क्योंकि हम एम इटरेशन तक काम करना चाहते हैं, तो परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट एम। तो एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एफ
एंटर द नंबर ऑफ, एंटर द नंबर ऑफ इटरेशन। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। अब आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स को इनपुट करवाना है। मैट्रिक्स तो बस टू डायमेंशनल एरे है, तो हमें दो लूप की जरूरत पड़ेगी। तो एक आई के करेस्पोंडिंग मान लिया और एक जे के। तो फोर आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, फोर जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस। यहाँ जे इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन ही ले लो, क्योंकि ए वन फोर भी हमें चाहिए, दैट इज हमें बी वन भी चाहिए, तो इसलिए हमने एन प्लस वन मान लिया। अदरवाइज हम एन तक ही मानते अगर हम बी आई अलग डिफाइन करते, हम नहीं चाहते उसे अलग डिफाइन करना, तो इसलिए हमने एन प्लस वन ही ले लिया। तो हमें क्या करवाना था, इनपुट, और इनपुट करवाने का काम था स्कैन एफ का, परसेंटेज एफ, ठीक है, कॉमा एम परसेंट ए आई जे। जैसा कि हमने कल भी बताया था जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, गोज जॉर्डन का और गोज एलिमिनेशन का, ये रो वाइज एंट्रीज होते हैं, दैट इज पहले ए वन वन लेगा, देन ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, ए वन फोर मतलब बी वन, फिर लेगा ए टू वन मतलब सेकेंड रो बाद में पिक करेगा, यानी सेकेंड रो जब चेंज होगा, जब आपका आई चेंज होगा, ठीक है, जैसे जैसे जे चेंज होगा दैट इज आपका रो चेंज होगी, ठीक है, मतलब रो की जो नेक्स्ट एंट्रीज आ जाएगी। देन सबसे लास्ट में कौन आया, जे, तो सबसे पहले टर्मिनेट कौन होगा, जे, सबसे पहले कौन आया, आई, तो सबसे बाद में टर्मिनेट कौन होगा, आई। इतना काम हो गया, अब देखो इनपुट करवाने का काम हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मेन स्टेप पर। मेन स्टेप क्या है, फोर के इज इक्वल टू वन, के इज लेस देन इक्वल टू एम, के प्लस प्लस, मतलब कितनी बार हमें चलाना है, जितनी इटरेशन चाहिए, एम इटरेशन चाहिए, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। फोर आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, सम इज इक्वल टू जीरो। फोर जे इज इक्वल टू वन, जे इज लेस देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस। फिर है इफ जे इज नॉट इक्वल टू आई, अगर जे आई के बराबर नहीं है, देन सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आई जे इंटू में एक्स जे, देन सेमीकोलन। ठीक है, सबसे पहले लास्ट में कौन आया, इफ, तो पहले इफ की खत्म, फिर कौन आया, जे, फिर जे की खत्म, अभी आई की रह रही है। तो आई की खत्म करने से पहले हमने एक स्टेटमेंट और लिखती, एक्स आई दिस इज इक्वल टू ए आई एन प्लस वन माइनस में सम डिवाइडेड बाय ए आई आई। ठीक है, और साथ की साथ हमने एक्सरसाइज को प्रिंट भी करवा दिया, प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंटेज एफ कॉमा एक्स आई। ठीक, देन आपकी आई की भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले कौन आया था, के, अब के की खत्म होगी लास्ट में। ठीक, देन गेट सी एच और देन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, अब हम काम समझते हैं कि हमें काम क्या करना है। तो इनपुट तो हो गया, ठीक है, अब हम मेन इस पर आते हैं। के की वैल्यू वन होगी, मान लो आपको चाहिए, सपोज दो इटरेशन ही चाहिए, ठीक है, दो ही इटरेशन से हम काम कर रहे हैं, जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो इटरेशन बढ़ा देंगे, जितनी ज्यादा इटरेशन होगी उतना बेटर आपका सॉल्यूशन होगा। तो मान लो एम है दो, ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ इक्वेशन आपको दे दी गई है तीन, तो एन की वैल्यू है तीन, तो कहते हैं कि के वन हो गया, ठीक है, वन लेस देन इक्वल टू एम होना चाहिए, वन लेस देन इक्वल टू टू है, ट्रू है, कहते हैं कि अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। अंदर वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि आई इज इक्वल टू वन कर दो, आई की वैल्यू वन हो गई, वन इज लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए, एन कौन है, थ्री, वन भी तीन से छोटा है, कंडीशन होल्ड कर गई, कहते हैं कि सम को वैल्यू दे दो कितनी, जीरो, यानी सम को वैल्यू दे दी जीरो, सही। अब कहते हैं कि फोर जे इज इक्वल टू वन, जे की वैल्यू कितनी होगी, वन, वन लेस देन इक्वल टू थ्री है, सही है, कंडीशन है। अब कहते हैं कि जे जो है आई के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ही आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन आई भी वन है, जे भी वन है, ये तो दोनों इक्वल है, तो यानी आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो इफ से बाहर आ जाएंगे। देखो ये जे की ब्रैकेट थी, जे की ब्रैकेट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक जे अपनी सारी वैल्यू नहीं ले लेगा, यानी जे प्लस प्लस हो जाएगा, तो यानी जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। अभी भी आई कितना है, वन है, तो टू वन के बराबर नहीं है, कंडीशन होल्ड कर रही है, तो सम इज इक्वल टू पुराने वाला सम कितना है, जीरो,
प्लस, कहते हैं कि 0 प्लस में कितना हो जाएगा, ए आई जे, ए आई, आई कितना है आपका 1, ठीक है, और जे कितना है 2 हो गया, इंटू में एक्स जे, एक्स जे कितना है 2 हो गया, तो ए 1 2 इंटू में एक्स 2 हो गया। अब देखो फिर से जे बढ़ जाएगा, यानी जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन होल्ड कर रही है। कहते हैं कि इफ जे इज नॉट इक्वल टू आई, जे 3 है, आई 1 है, जे आई के बराबर नहीं है, कंडीशन होल्ड कर रही है। सम इज इक्वल टू सम, सम इज इक्वल टू सम, सम कितना है ए 1 2 x 2, प्लस में देखो क्या कह रहे हैं, पुराने वाला सम प्लस में ए आई जे, ए आई, आई कितना है 1 है, और जे कितना है 3, इंटू में एक्स जे कितना है x 3, ठीक है। तो यानी सम आ गया है ए 1 2 x 2 प्लस में ए 1 3 x 3 आ गया, ए 1 2 x 2 प्लस में ए 1 3 x 3 आ चुका है सम, ठीक है। तो जे देखो जे कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन 4 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, तो यानी आप जे का भी, जे से क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे। जे से बाहर आते ही कहते हैं कि एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई, एक्स आई, आई कितना है 1, दैट इज x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आई, आई कितना है 1, एन प्लस 1 यानी 4, ए 1 4 दैट इज b1। माइनस में सम, माइनस सम मतलब ए 1 2 x 2 माइनस ए 1 3 x 3 डिवाइडेड बाय कह रहा है ए आई आई, दैट इज ए 1 1। देखो यहां हमने क्वेश्चन किया था, तो ए जो एक्स 1 है ए 1 1 बाय ए 1 1, बी 1 बी 1 आपका जो है ए 1 4 है, माइनस ए 1 2 x 2 है, और माइनस ए 1 3 x 3 है, या आई में ए 1 1 है, तो एक्स 1 आ गया, ठीक है। तो अब आई से भी, आई जब तक खत्म नहीं होगा, आई की ब्रैकेट से बाहर नहीं आ सकते, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, आई 2 होते जे वापिस कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ स्कैन एफ का आ गया, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जे की आई 2 हो गया, ठीक है। आई 2 होते कहते कि सम को कितनी वैल्यू दे दो, 0 दे दो, सम को वैल्यू कह रहा है कि 0 दे दो, हमने दे दी, ठीक है, यानी सम फिर से चेंज हो गया। कहते कि जे की वैल्यू 1 ले लो, ले ली। कहते कि जे आई के बराबर नहीं होना चाहिए, तो जे तो 1 है, आई 2 है, 1 2 के बराबर नहीं है, तो कहते कि सम इज इक्वल टू पुराने वाला सम, पुराने वाला सम कितना है 0, प्लस में, प्लस में देखो कितना है ए आई जे, आई कितना है 2, जे कितना है 1, इंटू में एक्स जे कितना है 1, तो ए 2 1 आ गया, ठीक है। अब देखो ये इफ से तो बाहर आ गया, ठीक है, जे से तब तक नहीं आएगा जब तक जे अपनी सारी वैल्यू नहीं ले लेगा। जे की वैल्यू कितनी हो गई 2, बट इस केस में तो आई जे के बराबर है, यानी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो गई, यानी जे फिर से बढ़ जाएगा। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और 3 1 के बराबर नहीं है, कंडीशन होल्ड कर रही है। तो कहते हैं कि सम इज इक्वल टू पुराने वाला सम, पुराने वाला सम ही आ गया, उसमें ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, ए आई जे, आई कितना है 2, जे कितना है 3, इंटू में एक्स जे दैट इज x3। अब जे अपनी सारी वैल्यूज ले चुका है, तो अब एक्स आई निकाल लो, एक्स आई दिस इज यानी x2 दिस इज इक्वल टू कितना हो गया है ए आई एन प्लस 1, ए आई एन प्लस 1 दैट इज a 2 4 माइनस में सम यानी a 2 1 x 1 माइनस a 2 3 x 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया a 2 2, ठीक है, ये b 2 था, ठीक है। सो सेम हमने जो x 2 था ऐसे ही निकाला था, जो x 2 हमने निकाला है वो यही चीज है आपकी, ठीक है, हो गया। वेट फॉर ए मिनट, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, आई 3 हो जाएगा, फिर से प्रोसीजर रिपीट करेंगे, तो रिपीट करने के बाद हमें x3 की वैल्यू मिल जाएगी, और x3 की जो वैल्यू है, x3 की जो वैल्यू है वो कुछ आपकी आ जाएगी a 3 4 माइनस a 3 1 x 1 माइनस a 3 2 x 2 डिवाइडेड बाय a 3 3, ठीक है। तो x 1 x 2 x 3 निकलने के बाद देखो सारा i भी खत्म हो गया, j, ठीक है, i खत्म हो चुका है, i खत्म होने के बाद k बढ़ जाएगा, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 होते फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान रखना जो x1 है वो ये करंट वाला लेगा, मतलब ये वाला x1 लेगा, ठीक है,
सेम आपका एक्स टू चेंज हो जाएगा, सेम आपका एक्स थ्री चेंज होगा। देखो जब हम फर्स्ट, जब आपका एम जो था वन था, तो ए वन टू एक्स टू, एक्स टू जो था वो कितना था, जीरो था। एक्स थ्री था वो भी कितना था, जीरो था, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक्स टू, याद हो हमने स्टार्टिंग में ही एक्स 100 को ऐसे जीरो को इनिशियलाइज करवा दिया था, मतलब सारों की वैल्यू हमने जीरो ले ली थी। तो ये फर्स्ट इटरेशन में एक्स टू जीरो हो गया, एक्स थ्री जीरो हो जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में जब एम वन था तो ये हो जाएगा ए वन फोर बाय में ए वन, ठीक है। और जो एक्स टू है, एक्स टू देखो कितना आ जाएगा, ए टू फोर माइनस ए टू वन। X1 आपका निकल चुका था, दैट इज A14 बाय में A11। X3 अभी तक आपका क्या है, जीरो, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, A22। X3 दिस इज इक्वल टू A34 माइनस A31 X1। X1 निकल चुका है, करंट वाला X1 रखना है, दैट इज X11 जो आप बोल रहे हो, ठीक है, माइनस A32 X21 वाला रखना है, ठीक है, बाय में A33। सेम आप M को 2 रखोगे, हम इस स्टेप पर तो पहुंचेंगे ही, ठीक है। तो लेकिन इसमें आप कौन सा रखोगे, X21 रखोगे, X31 रखोगे, ये आ जाएगा आपका X12। यहाँ आप क्या रखोगे, X12 रखोगे और ये हो जाएगा वन। यहाँ आप X12 रखोगे और ये हो जाएगा आपका, यहाँ भी वन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी रिपीटेशन होती चली जाएगी। अब हम आते हैं इसके सी प्रोग्राम जो कि हम यहाँ काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, ये हमने टाइप किया हुआ है, ठीक। अब हम इसको रन करते हैं, तो रन कर रहे हैं इसको हम, ठीक। इक्वेशंस है आपकी सपोज थ्री, ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशंस थ्री है। सबसे पहले कह रहे कि इटेरेशन डालो, इटेरेशन मान लो मैंने डाल ली सपोज टू ही डाल ली, ठीक है। एंटर द एलिमेंट्स, एंटर द एलिमेंट 21 और -2, दैट इज A11 20 है, A12 1, A13 आपका -2 है, और जो B1 मतलब A14, A14 आपका 17 है। देन हो गया 3, 20, -1 और माइनस का 18, ठीक है। ये आपके A21, A22, A23, A24 आ गए। अब A31 है 2, A32 है -3, A33 है 20 और A34 है 25, ठीक है। तो देखो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसमें हम बीच में चाहते हैं एक बार स्पेसिंग भी आ दे, तो स्पेसिंग के लिए हम हॉरिजेंटल टैब का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रन करते हैं इसको। इक्वेशन थी आपकी थ्री, ठीक है, नंबर ऑफ इटरेशन हमने दी हुई थी टू, वापिस से एलिमेंट डाल रही हूँ 20 1 -2 17, ठीक है, थ्री सॉरी थ्री और ये है आपका 20 और माइनस का 1 और माइनस 18, देन 2 -3 20 25, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, ये यहाँ देख सकते हो, ये हमने बैक कर लिया है, वापिस एक बार करें, नंबर ऑफ इक्वेशंस थी आपकी थ्री, इटरेशन है टू, ठीक है। एंटर द एलिमेंट्स 21 -2 तो नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको दी हुई है थ्री, इटरेशंस हमने मान ली टू और एलिमेंट्स डाल रही हूँ 21 और माइनस का 2, देन 17, ठीक है, देन 3, 20 और ये हो गया है माइनस का 1, देन -18, देन आपका 2, -3, 20 और 25, ठीक है, आपका ये फाइनल आंसर है। देखो जो 0.85 आया, दैट इज फर्स्ट इटरेशन में जो X1 आया था, देन -1.0275 दैट इज Y1, देन 1.010875 दिस इज Z1, सेम 1.002463 ये सेकंड इटरेशन का आंसर है, दैट इज X2, देन Y2, देन Z2। तो ये था आपका प्रोग्राम, ठीक है,
गो सेटल मेथड। नेक्स्ट अब हम आगे कोई और प्रोग्राम करेंगे, या तो हम गोस एलिमिनेशन जो सॉरी गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला करेंगे, और एक हमारा रह गया पावर्स मेथड का टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। सो आज के लिए इतना ही।